टू माय चैनल ओनली रूट और वेलकम इफ यू आर न्यू। अभी जब तो मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, तब तक आप लोग वो वाला व्लॉग देखेंगे, वो वाली फुटेज देखें जिसमें मैंने जब मैं आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने गई थी वो आई हैव टू गेट माय कार्ड रिन्यूड, तो इसलिए और आज खास खास तैयारी उसी लिए, बट क्योंकि पिक्चर खींचनी होती है। लास्ट टाइम ऐसा पता है क्या सीन हुआ था, पिक्चर के टाइम उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं आपने लूज़ दुपट्टा करना है या मतलब पता नहीं कहाँ नजर आना चाहिए, गर्दन नजर आना चाहिए। आई डोंट नो उनको क्या था कि शायद मेरी गर्दन नहीं है, शायद मेरी कहाँ नहीं है, आई डोंट नो क्या बात होती है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन उन्होंने कोई दुपट्टा लूज़ करने के लिए कहा था, मैंने भी दुपट्टा लूज़ किया और सोचो सोचें ज़रा पूरा आपने पैक करके टाइट किस्म का दुपट्टा लिया और बाद में आप उसको लूज़ करो। ऑल द हिजाबीज आउट देयर विल डेफिनेटली रिलेट टू दिस, इतने आपके बाल कोई ना बस ऐसा नहीं दो। तो वो मैंने किया और ऊपर से यार पता नहीं, आई डोंट इवन रिमेंबर कि वहाँ कुछ मिरर था भी या नहीं, क्योंकि मैंने बड़े अजीब तरह से किया था। और फिर एज यूजुअल आई मेरी आईडी कार्ड की फ़ोटो प्रिंट हो गया, एज एन आईडी कार्ड प्रिंट हो गया है, एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, आई वाज अ पोटैटो फेस। अच्छा जल्दी से, द शर्ट इज़ फ्रॉम खाड़ी एंड द पैंट्स आर रैंडम पैंट्स, रैंडम दुपट्टे की तरह, और द शूज़ आर फ्रॉम ब्रांड सिटी। वो एसओपीज इतने फिटनेस से फॉलो कर रहे थे, टेम्परेचर चेक हो रहा है, फिर सीट्स पर उन्होंने क्रॉसेस लगाए हुए थे लाइक आप साथ साथ सीट्स पर बैठ सकते हैं, फिर उसके अलावा लाइक एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर अलाउड टू गो इनसाइड, उनका काम होगा फिर अगले जाएंगे। खैर मैं तो बड़ी फिट टाइम पे गई थी क्योंकि व्हेन आई वेंट देयर फीमेल लाइन में वैसे भी नहीं था, तो डराई मेरी बारी आ गई थी पहली। और अंदर जाते भी जो मुझे टोकन मिलता है काइंड ऑफ लाइक जो नंबर आपको मिलता है आईडी पता नहीं क्या मिलता है, वो मेरी बारी फ़ौरन आ गई थी, सो आई डेंट हैव टू वेट एट ऑल। और फिर उसके बाद जो एग्जैक्ट बूथ पे जिसमें मेरी बारी आई थी उन्होंने भी वहाँ सारा स्प्रे वगैरह किया, आई हैड माई स्प्रे जैसे आपको जो मैंने आपको पहले दिखाया था, आई हैड माई स्प्रे माई आई वेयरिंग ग्लव्स मास्क वगैरह सारा कुछ, और हाँ उस पर भी लिखा था मास्क पहन के आना सबने, तो वहाँ भी उनके पास भी स्प्रेज थे, वो सारे स्प्रेज वगैरह कर रहे थे सब कुछ ग्लव्स वगैरह सबने पहने थे, तो आई रियली लाइक दैट प्रोसेस। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेइंग इट्स पार्ट कि आपने काम तो करना है, काम तो रुक नहीं सकता, सो फिर आपने काम किस तरह करना है, उस टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सारे अपना काम कर रहे थे। तो आई एम अबाउट टू गो गेट माई आईडी कार्ड, तो फर्स्ट आई विल हैव टू यार इसको बताऊंगा मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू वेयर ग्लव्स। Guys, I got my card. अब हम जाएंगे ऑफिस। तो एक सेकेंड आप चले जाएं। चलो कोई बात मैं चल जाती हूँ। अच्छा अच्छा जो लिप शेड की मैं बात कर रही हूँ ना, सुबह मेरे तब तक क्या सीन हुआ कि जो भी मैंने लगाया हुआ है इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, ये डिम्योर वाला है, मेडोरा डिम्योर। तो नंबर मुझे कोई नहीं याद, वो मैं आई एम एक्चुअली थिंकिंग, देखो मुझे कितनी थॉट्स के अंदर एक और थॉट आती है, तो आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि आई विल बी रिकॉर्डिंग सम लिपस्टिक्स जो मेरे पास हैं, लिपस्टिक कलेक्शन वाली इस कलेक्शन वाली वीडियोस, लेकिन इट्स बीन सो लॉन्ग तो मैं वीडियोस चांस टू डू दैट, चांस मिल भी जाना तो मेरी लेजीनेस कोई नेक्स्ट लेवल लेजीनेस हुई हुई है आजकल, खास तौर पे गर्मियों में तो वैसे इंसान का दिल नहीं जा रहा तो कुछ भी करने का, बस पानी पीते रहो, ड्रिंक्स पीते रहो, कोई भी जूसेस पीते रहो, ये सीन है। एनीवे तो लिपस्टिक का ये सीन हुआ सुबह सुबह कि मैंने ये वाली लगाई निकाली और वो सडनली मैंने मतलब ऑब्वियसली ट्विस्ट करके आप खोलते हैं, सडनली वो नीचे होगी और मैंने मम्मी को कहा मम्मी मेरी लिपस्टिक को कुछ हो गया है, मम्मी कहती मेल्ट हो गई होगी, टूट गई होगी, इस तरह वगैरह ना, मतलब आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस नेवर एवर इन माई लाइफ, ऑल दो मैंने कोई हार्डली साल डेढ़ साल से आई गेस आई हैव बीन वेयरिंग लिपस्टिक्स, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ यार, पीछे भी तो पहले भी तो गर्मियाँ आई हैं, बट नेवर बीन लाइक दैट कि कोई लिपस्टिक मेल्ट हुई हो, टूटी हो, उसकी बैग बिन टूट गई बेचारी की। एनी वाई हैव कैप्ट इट इन फ्रिज, मम्मी कह रही थी इसको कुछ नहीं कर सकते, लाइक फारिग हो गया बिल्कुल, लाइक गॉन आप कह दें उसको, खुदा हाफिज कह दें। बट देन आई सॉ वीडियो वंस जिसमें उसमें खैर बेसिकली उसमें इस तरह होता है कि आप ना लिपस्टिक को मैचस्टिक बर्न करते हो, ऑब्वियसली मैचस्टिक लाइट करते हो और आप लिपस्टिक के साइड पर उसको घुमाते रहते हो, वो मेल्ट होती है और फिर आप उसको उंगली से प्रेस कर करके ना उस साइड पर जिस जो अपनी शेप बनानी होती है उस शेप में बना लेते हो। ये मेरी पार्किंग थी,
I can still fit my car in there. Oh yeah, I do. Biker dude, that was my bike. Anyway, gaadi park ho gayi hai. Alhamdulillah. Even though दो गाड़ियों ने और एक बाइकर डूड ने पूरी कोशिश की थी मेरी गाड़ी पार्क ना हो, but the joke's on them. Oh, the biker dude is here. हम गाड़ी बंद नहीं करेंगे, हम पहले गाड़ी आगे फट के समझी सही किस्म की पार्क करेंगे. And then I'll be leaving. What time is it? It is time to go to office. Just like that. अंकल आप चले जाएं, आप यू डिजर्व इट, आप चले जाएं, आपको मैं रास्ता दे देती हूँ. हाँ शाबाश. अंकल क्या हो गया यार, आपको मैंने जगह दी है, डजंट मीन कि आप मेरी लेन में आ जाएं. यार अंकल क्या करते हैं. ओके हे गाइस, इट इज एक सेकेंड, इट इज थर्सडे. Thursday, कौन सी जुलाई? It is Thursday, 16th July. Oh yes. The good thing is that Thursday, finally it's Thursday, which means one more day of the hectic routine and I'm done for the week. लेकिन the bad thing is even though I'll be done with the office work, I still won't be done with my university work because I have evening and weekend classes. So you can very well imagine I don't even have a weekend. अभी आई एम ऑलमोस्ट नियर माई ऑफिस. अच्छा हाँ, अपडेट देनी थी मैंने, लिपस्टिक की क्या अपडेट है. अभी मैंने वही लगाई हुई, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर इफ यू कैन सी दैट और नॉट, आई कैन नॉट सी इन द फोन. ओह दैट्स अ क्यूट किड, इतना छोटे साइज का, बहुत ही छोटा है, इसको चलना वैसे आगे इतना छोटा. आई डोंट गेट इट, आई मीन वी वर्न दैट स्मॉल व्हेन वी स्टार्टेड वॉकिंग एज फार एज आई थिंक. बट मुझे याद भी नहीं, ऑब्वियसली आई डोंट इवन रिमेंबर माई द डेज व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग. लेकिन ये बच्चा बहुत ही छोटे साइज का था और मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, देयर टॉकिंग एंड देयर वॉकिंग, आई एम लाइक दैट इज स्केरी किड, यू आर स्केरी किड. अच्छा तो एनीवे मैंने लिपस्टिक का ये कह रही थी कि फिर वो पड़ी वो फ्रिज में ही हुई है, वहीं से निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ और वहीं वापस रख देती हूँ. दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई एम ऑलमोस्ट नियर माय वर्क प्लेस. अभी आपको फिर इंडिकेटर की आवाज़ आके तंग करेगी. हे दैट्स माय पार्किंग. शाबाश शाबाश, आ जाओ निकलो निकलो. हाँ दैट्स लाइक अ गुड कार. यार ये कोई जगह है गाड़ी पार्क करने की, रास्ते में आप गाड़ी छोड़ के भाग गए. लोग भी अजीब होते हैं. एंड आज मैंने अपनी पार्किंग के नेबर वाली जगह पे पार्क की क्योंकि वहाँ एक गाड़ी बिल्कुल फ्लैट करी हुई थी, फ्लैट नहीं मतलब हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई थी. डज दैट मेक सेंस. डू यू बिलीव आई एक्चुअली ड्रीम्ड लास्ट नाइट, या पता नहीं सुबह फजर के बाद, आई डोंट नो. It was like कोरोना बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, इंशाल्लाह फॉर दैट. एंड वी वर गोइंग बैक टू गिगा मॉल. ओ यू वॉन्ट बिलीव हाउ मच आई लव 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 गिगा मॉल. आई मिस इट लाइक क्रेज़ी. और इनफैक्ट आई वॉज वाइल ड्राइविंग आई सॉ अ बिलबोर्ड, उस पर लिखा हुआ था कि गिगा मॉल एक्सटेंड हो रहा है, पता नहीं इट्स गोइंग स्काई हाई. एंड आई वाज लाइक, मुझे ऐसी खुशी होती थी जैसे गिगा मॉल ही मेरा कोई घर है, वो एक्सटेंशन हो रही है उसकी. आई लिटरली लव दैट प्लेस. तो इट्स लाइक द ओनली मॉल बेसिकली पिंडी सांबन में, आई गेस गिन के तीन मॉल्स हैं, करेक्ट गिगा मॉल, मुझे ये अच्छी लगी है. गिगा मॉल माई मोस्ट फेवरेट. सेंटोरस मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता, एक तो हर दुनिया जहाँ की आवाम ने सेंटोरस जाना होता है एंड एवरीबडी फील्स लाइक कि भाई सेंटोरस जाना है, मतलब आप जिस मर्जी जगह से आए हैं एवरीवन नोज अबाउट सेंटोरस, तो उसकी वजह से बहुत रश होता है. तीसरा आता है हमारा सफा गोल मॉल, जिसका फूड कोर्ट वैसे खत्म हो गया. आई हैवंट सीन दैट, आई हर्ड कि उसका फूड कोर्ट खत्म हो गया, लेकिन यू कैन इमेजिन कि मैं अभी तक उसके बाद गिगा वो सफा गोल्ड भी नहीं गई. इज दैट आई एम वेयरिंग ए वाइट शर्ट, जो कि आपको आई एम प्रीटी श्योर आपको नहीं नजर आ रही. इसमें इधर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है और नीचे भी हुई है, ये देखो नीचे भी हुई है. कैन यू सी दैट? आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शो यू इन द अदर, पुट इट समथिंग लाइक दैट इन अदर क्लिप. नीचे मैंने जीन्स पहनी है, उसके नीचे ओके आई एम वेयरिंग दिस ब्लू हिजाब, ऑब्वियसली नेट का दुपट्टा है एंड
आई डोंट गेट द लॉजिक. नेट में कोई 50,000 सुराख होते हैं लेकिन सीरियसली मजाल है जो उसमें से ज़रा सी भी आवाज़ आए. इतना गर्म कपड़ा है, हाउ डू पीपल वेयर इट. और मैंने 2-3 लेयर्स किए हैं क्योंकि ऑब्वियसली नमाज पढ़नी होती है, कहीं ना कहीं से बाल छाला नजर आ रहे हो, इस वजह से 2-3 लेयर्स करके पहने. और लिटरली मेरे सर को आवाज़ नहीं आ रही, मैं सर सांस नहीं ले सकता, बेचारे का सांस रुक रहा है, मेरा अपना सांस रुक रहा है बैठे बैठे गाड़ी में. हेलो एवरीबॉडी, नहीं जी जुमा मुबारक एवरीबॉडी. जैसा पता चल तो गया होगा आज ऑब्वियसली फ्राइडे है एंड जुमा मुबारक की लिटरली कुछ अरसे से इतनी लेजिट वाली फील्स आ रही है ना मुबारक वाले पार्ट की, इसलिए क्योंकि यार द वीक्स हैव बीन सो हेक्टिक, सो टायरिंग, इतना पैक काम होता है सब कुछ, ऑफिस अलग, क्या कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स अलग और पढ़ाई अलग. तो इट्स लाइक सही जैम पैक. ऑल्दो यू ऑलरेडी नो मैंने 50,000 दफ़ा पहले बता दिया हुआ है कि वीकेंड में मेरी क्लासेस होती हैं, लेकिन ऑफिस की तो छुट्टी हो जाती है, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अच्छा इन केस यू वंडरिंग कि व्हाई आई व्लॉग, इन फैक्ट व्हाई आई बीन व्लॉगिंग व्हाइल ड्राइविंग दिस होल वीक, रीज़न ये है कि ना ऑफिस वही मैंने भी बात बताई है, हर रूटीन इतनी पैक होती है कि और टाइम नहीं होता. तो दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई कैन एक्चुअली टॉक टू यू गाइस. और उसमें भी ये सीन है कि व्हेन एवर आई एंटर बहरिया, क्योंकि मेरा ऑफिस बहरिया में, तो व्हेन एवर आई एंटर बहरिया तो उसके बाद ही हो सकता है, बिकॉज इफ़ यू वेंट टू बहरिया, इफ़ यू रोम अराउंड दीज एरियाज, तो आपको पता है कि इसी में थोड़ी ट्रैफिक थोड़ी क्या कहते हैं ना कंट्रोल्ड होती है और यू कैन एक्चुअली डू समथिंग एल्स. बट इवन देन इट्स नॉट लाइक आई एम अप्रिशिएटिंग एनीथिंग लाइक दिस. माशाल्लाह दैट इज़ अ प्रीटी हाउस. और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया इस पूरी टर्म से तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. आई एम एन अर्थरूल फैनाटिक, आई लिटरली वॉच्ड एंटायर 5 सीजंस ऑल ऑफ इट वाजंट माय एट ऑल. 5 सीजन इतना बोरिंग था यार, उसमें सारी सैड 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 एक दो नहीं आई एम नॉट गोइंग गिव एनी स्पॉयलर्स एनी थिंग. पहले बड़े स्पॉयलर्स से मैं सीजन ख़त्म कर दिया, बट आई एम नॉट गोइंग शेयर एनी स्पॉयलर्स राइट नाउ. सर ये है कि 5th सीजन में इंटायरली डिफरेंट जाता है, इवन अर्थरूल चेंजेस हिज टेक्निक्स टोटली. इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स, इट्स नॉट अबाउट फाइट्स. इट इज फाइट्स, लाइक फाइट्स तो सीजन में होती होती हैं, बट जितनी फाइट्स पहले होती थी ना वो वाला सीन नहीं है. ओह गेस व्हाट, कल ना मैंने क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड देखी, मतलब कल ही आई है ये, शायद परसों आई है नेटफ्लिक्स पे ना, तो इतने मज़े की थी. आई डेंट कम्प्लीटेड येट क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग डे था, वर्किंग नाइट थी, वीक नाइट थी, तो वीकेंड पे इंसान ये काम करता है, तो इसलिए मैंने ना बहुत अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि मैंने बड़ा अपने आप पर जुल्म किया है, जुल्म करके मैंने ना यू कुछ 1 hour 30 minutes की देखी है, नहीं जुल्म करके मैंने 30 minutes की छोड़ी थी कि वो मैं फ्राइडे को देख लूँगी या सैटरडे को देख लूँगी, मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को देखूँगी, आज ही देखूँगी, क्योंकि इतना भी कौन इंतज़ार करता है. बट I really enjoyed it. मतलब I was like यार क्या बात है, एक तो जॉनी डेप wow. Secondly, Jude Law का रोल, लाइक आई गेस जूड लॉ इज द वन हु इज प्लेइंग डंबलडोर राइट, सो लेट मी नो दैट्स नॉट द केस. लेकिन खैर आई लव इट, इतने फिट दोनों ने रोल्स प्ले किए, मैं इतना मज़ा आता देख के. और मेरे पास इनका जो फर्स्ट पार्ट है आई गेस उसकी स्क्रीन प्ले थी, है ठीक है है, तो वो मैंने स्क्रीन प्ले के बाद जब देखा था ना दोबारा वो मूवी, मुझे बड़ा मज़ा आया था देख के. ये वाली मुझे पहली दफ़ा में इतना मज़ा आया देख के. और बस आई ऑलवेज से वंस अ पॉटर हेड ऑलवेज अ पॉटर हेड, तो ये भी सीन है कि अपने लग और लिटरली अच्छा मैं बताने लगी हूँ, उसमें हॉगवर्ड्स का सीन आया था, वो तो आना था क्योंकि डंबलडोर यूज्ड टू टीच एट हॉगवर्ड्स इन दोज डेज, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. और मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था क्योंकि मूवी आए हुए 50,000 साल हो गए हैं, नहीं 50,000 साल नहीं हुए, तो याद चले. अच्छा ठीक है मैं चल जाती हूँ, थैंक यू अंकल. तो मूवी आए हुए इतना अर्सा हो गया तो मुझे बिल्कुल भूल गया था कि हॉगवर्ट्स के भी कोई सीन है इस मूवी में, आई सॉ द ट्रेलर बैक लाइक अ फ्यू मंथ्स इयर्स गो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता कब आई थी. तो जब हॉगवर्ट्स का सीन आया और वो सारा लजेट जो होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक वो चला, ओफ यू वॉन्ट बिलीव, मुझे ऐसी नॉस्टैल्जिक फील्स आ रही थी ना. ऑफिस हम पहुँच गए हैं, आओ 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 आओ
यार मैंने इतनी, जब से मैंने ऑफिस लाइक ड्राइव करके आना शुरू किया ना, मैंने इतनी सेफ्टी पिन्स लूज किए हैं, यू वोंट बिलीव। अच्छा बात क्या कह रही थी, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट भूल गया मैं क्या कहने थी। हाँ जुमा मुबारक मैंने कह दिया था और नेल्स मैंने काट लिए हैं। ऑल्दो ऐसे देख के लग रहा है कि वो वाइट वाइट पार्ट अभी भी है, लेकिन क्या नो बट मेरे नेल्स की लाइक स्किन ये है और वाइट पार्ट ये है, तो काइंड ऑफ लाइक ये देखो आई नेवर एक्सपेक्टेड के स्क्रीन में नजर आ जाएंगे। वाओ तो नेल्स मैंने काट लिए हैं, आप भी नेल्स काट लें, फ्रेश हो जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, दुरूद शरीफ कोई बजिलियन टाइम्स पढ़ लें और सूरह काहफ ऑब्वियसली मैं ज़ुहर की नमाज पहले इंशाल्लाह पढ़ लूँगी कहने लगी थी। और और विल बी ग्रेट, सबका भी दे दें, सवाब मिलेगा, अच्छा काम है। और आई विल बी गोइंग टू ऑफिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बी अ बॉस।